गुड आफ्टरनून क्लास. आप हम लोग स्टिल लाइफ में क्रिएटिंग लाइट एंड सेट का वर्क करते हैं. सबसे पहले मैं इमेज ड्रॉ कर लेती हूँ. मैंने एक रफली इमेज ड्रॉ किया है. ये इमेज मैंने ड्रॉ कर लिया था पहले. सबसे पहले जब हम स्टिल लाइफ को ड्रॉ करते हैं तो सबसे पीछे वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ होने के बाद आप पीछे वाले जो उसकी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको इरेज कर देंगे. और लाइन के लिए हम लोगों ने लाइन पहले ही डार्क नहीं करनी है. लाइन हम लोग धीरे धीरे जब शेडिंग करेंगे तभी हम लोग लाइट करेंगे. सिंपल शेप्स लेते जाएंगे आप. ऐसे नहीं कि प्रॉपर आप पूरा इमेज ड्रॉ कर रहे हो उसके बाद आप शेडिंग कर रहे हो. सबसे पहले आपने हल्का शेप ले लेंगे. ठीक है, अब शेडिंग स्टार्ट करते हैं. शेडिंग पेंसिल के लिए आप लोग शेडिंग पेंसिल का यूज़ करेंगे. शेडिंग के लिए जिन बच्चों के पास शेडिंग पेंसिल नहीं है वो शेडिंग पेंसिल ले लेंगे. शेडिंग पेंसिल में आप लोग 6B, 3B और 2B की पेंसिल्स रखेंगे. हल्के हल्के स्ट्रोक्स लेते हुए काम करना है आपको. सबसे ज़्यादा आपने लाइट और डार्क का सेट का वर्क को भी देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट पे लाइट किधर से पड़ रही है. कौन से साइड को आपने डार्क रखना है, कौन से उस साइड को आपने लाइट रखना है, दोनों चीज़ को फोकस करना है. शेडिंग करते समय कोई जल्दीबाजी नहीं है और कोई पेंसिल पे आपको प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी पेंसिल को दबा के यूज़ नहीं करेगा. ठीक है, हल्के हाथों से आपने स्ट्रोक्स देते रहना. और लाइन्स बीच में ब्रेक भी नहीं होनी चाहिए. जब आप शेडिंग का वर्क करेंगे तो लाइन बीच में ब्रेक, ब्रेक मीन्स ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए. रुक के हाथ नहीं चलाना है.
ध्यान रहे जो आपकी जो ड्राइंग की सीट है ना, आपने जो रफ़ साइड होता है, मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि आपको सीट के किस साइड में वर्क करना है। जिस साइड हम लोग वाटर कलर के लिए सीट की थोड़ी सी रफनेस होनी चाहिए, सीट आपकी प्लेन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शेडिंग वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में आप सीट की अच्छे से फिनिशिंग स्ट्रोक्स। कंप्लीट, ठीक है। और आप लोग सब सीट के टॉप पर डेट, टॉपिक और चारों तरफ सीट के आउटलाइन जरूर करेंगे। अपना काम सारा प्रॉपर सीट पर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।